प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज मैं कुछ आपके साथ देरिये के साथ बात करना चाहता हूं और ये दो तीन पॉइंट हैं, उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद जरूर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो करते हैं सब्सक्राइबर से रिलेटेड। देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय पे हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं 5700, यानी कि 5700। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जून के लास्ट तक, यानी कि एटलीस्ट 30 जून तक हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो इसके लिए आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना जरूरी है। यानी आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल के ऊपर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और इसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें जो जो वीडियो हम डालते हैं। देखिए, सब्सक्राइबर का होना जरूरी होता है मोटिवेशन के लिए। हम आपके सामने बेहतर काम लेके आएँ और बढ़िया ढंग से आपके सामने प्रस्तुति दे सकें और बढ़िया ढंग से आपके सामने मटेरियल और मैटर को ला सकें, इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है और ये मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइबर से। तो मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा, आज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बोल रहा हूं, नहीं तो ज़्यादातर मैं वीडियो के लास्ट में ही आपसे अपील करता हूं सब्सक्राइब करने की। तो आप इसको थोड़ा सा ज़रूरी समझिएगा और एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तक हमारा साथ जरूर दीजिएगा। एक दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ये रखता हूं कि बहुत सारे हमारे दोस्त पूछते हैं कि HPSC का जो पेपर होना है, जो बाकी सब्जेक्ट बच गए असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये पेपर जून में होंगे क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक हिंट मिले हैं और जहां तक HPSC से सूचना मिली है वो ये है, ज़्यादातर ऑफिसर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जून के महीने में छुट्टियां मनाने में जाएंगे, यानी कि वो हॉलीडे एंजॉय करेंगे। तो जून के महीने में मुझे नहीं लगता कि पेपर होगा, ऐसा मेरा आइडिया है। और ऐसा HPSC से जिस प्रकार के हिंट मिल रहे हैं, जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोर्सेज के माध्यम से, पता चल रहा है कि जून के अंदर पेपर नहीं होगा। तो ये कब होगा? जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर होगा। एक इसके साथ में क्वेश्चन पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपका 21 को पेपर हुआ तो एक महीना जोड़ लीजिए, इसके अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है अनसर्टेनिटी की। देखिए, अनसर्टेनिटी बहुत है HPSC के अंदर। यहाँ पे काम होना हो एक महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल 3 साल 5 साल तक भी ना करें, ऐसी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। परंतु जो हिंट मिल रहे हैं उसके माध्यम से, जो सोर्स और सूचना जो मिल रही है उसके माध्यम से, ऐसा लगता है कि एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और पेपर जो बाकी हैं ये जुलाई के अंदर होने की पूरी संभावना है और बहुत जल्द इसके बारे में सारा प्रोसेस ये पूरा कर लेंगे। और भगवान ने यदि सब कुछ सही रखा तो आप अक्टूबर के महीने से पहले, यानी अक्टूबर के महीने तक आप कॉलेज के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर होंगे। अब बात करते हैं आज के संदर्भ के अंदर। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत जो हुआ हूँ ये लेके आया हूँ HPSC के कुछ पोस्ट के बारे में। कुछ वैकेंसी निकली हैं जो डिप्टी डायरेक्टर यानी कि ए क्लास की से रिलेटेड हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पोस्ट हैं, ये जनरल की पोस्ट हैं और आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए और ये जरूर देखनी चाहिए। यदि आप एलिजिबल बनते हैं, यदि आप फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर, तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। देखिए, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये 4 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आएंगे। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है और ये बल्क में नहीं निकलती हैं। तो इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल जानने के लिए कि कितनी पोस्ट निकली है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा मोड आपको अप्लाई करने का है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एड्रेस लिखा हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे बे नंबर है, ब्लॉक नंबर है, सेक्टर 4 पंचकुला लिखा हुआ है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019 है, हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ में 2/2019 इस एडवर्टीजमेंट की भी बात करेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन की आप देखोगे तो यहाँ पे 29/5/2019 जो कि आज का ही दिन है, क्लोजिंग डेट है 28/6 यानी 28 जून 2019 को। पोस्ट कौन सी निकली हैं? डिप्टी डायरेक्टर की जो स्टेटिस्टिक्स की है और ये ग्रुप ए में है। खास बात ये है कि ग्रुप ए में है और ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं, इंडस्ट्रियल और कॉमर्स डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर। यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ कि ये क्लोजिंग डेट के बारे में लिखा हुआ है। और क्लोजिंग डेट आपकी, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि 28 जून 2019 शाम के 5 बजे, और यदि आप फी जमा करवाएंगे तो वो है रात के 12 बजे तक, यानी 28 जून 2019 को रात के 12 बजे तक नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आप ही जमा करवा सकते हैं।
और कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दे रखा है उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। 28/6/2019 के बाद ये लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा, इसलिए आपको समय रहते ये अप्लाई करना होगा। इसके साथ में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑफलाइन होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सारी आपके क्वालिफिकेशन जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या किसी प्रकार की और कंडीशन जो आपकी योग्यता के लिए ज़रूरी है वो 28 जून 2019 तक आपका पूरा होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। यानी कि आपकी पूरी योग्यता 28/6/2019 तक पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी यदि आप कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफिस को भेजता है तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार की हार्ड कॉपी HPSC को नहीं भेजनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेकंड है, और ये क्या है कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट की कि वो अपनी हार्ड कॉपी को वो प्रिंट करके यहाँ पे रखे, यानी कि अपने पास रखे, और जब कमीशन इसको पूछेगा तो वो दिखानी होगी। और कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेफिशिएंसी इन दिस रिस्पेक्ट, और कमीशन इस प्रकार के किसी भी कोताही के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। और एनी अदर अपॉर्चुनिटी, किसी भी प्रकार की दूसरी अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग डेट के बाद यदि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भर पाए तो कमीशन किसी भी प्रकार से जिम्मेदार यहाँ पे नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि नंबर ऑफ पोस्ट की जितनी पोस्ट हैं ये रिजर्व रखता है। कौन रखता है कि राइट HPSC के पास है कि इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है, कम और ज़्यादा ये हो सकती हैं। इफ़ देर इज एनी वेरिएशन कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू अनाउंसमेंट डिस्प्ले ऑन कमीशन वेबसाइट। सारी इन्फॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर होंगी, किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से फॉर्म अवेलेबल होना है, ऑनलाइन कैसे भरना है, फीस डिपॉजिट कैसे होनी है, ये सब hpsc.gov/in पे होगा और hpsconline.in पे होगा। और ये सारी गाइडलाइन आपकी इन दो वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। और किसी भी प्रकार का आपने कम्युनिकेशन यदि करना है HPSC से तो ये फ़ोन नंबर है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/5/2019 यानी आज के दिन से अप्लाई कर सकते हैं। परंतु धरातल पे क्या सच्चाई है मैं आपको वह भी बता देना चाहता हूँ। आज 29 मई 2019 है, शाम के 5:30 बजे हुए हैं और मैंने साइट के ऊपर देखा है कहीं भी इसका लिंक दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए कैंडिडेट को वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 1 दिन, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है इससे ज़्यादा दिन, परंतु 1 या 2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि संडे से पहले पहले ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सभी कैंडिडेट, सभी हमारे पार्टिसिपेंट, सभी हमारे व्यूअर्स जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिस की डेट आप यदि देखेंगे तो 28/5/2019 को था और वेबसाइट के ऊपर ये आ आया है, तो मैंने आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में अब हम चलते हैं दूसरे नोटिस के ऊपर जो 22 मई 2019 को आया था, उसके बारे में भी कुछ पोस्ट हैं, अब उनके बारे में कुछ बात करते हैं। ये आपके सामने है एक दूसरा नोटिस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 22 मई 2019 को साइन हुआ था और 23 या 24 मई 2019 को साइट के ऊपर ये अवेलेबल हो गया था। ऊपर जैसे आप देखेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और ये एड्रेस लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2019। पब्लिकेशन की डेट है आपकी 24 मई 2019 और क्लोजिंग डेट आपकी है 24 जून 2019। और इस प्रकार से पोस्ट कौन सी हैं यहाँ पे देखेंगे तो एक पोस्ट है और वो भी जनरल की, और वो है डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्टर की, प्रोजेक्ट की जो ग्रुप ए में आती है, किसी भी प्रकार की रिजर्वड नहीं है, अनरिजर्वड है, इंडस्ट्रियल कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर है। इसी प्रकार से 4 पोस्ट किसकी है, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल प्रमोशन की, और यहाँ पे है शेड्यूल कास्ट की 1 पोस्ट, टोटल पोस्ट हैं 5। अब देखते हैं नीचे क्या कहा गया है। नीचे क्लोजिंग डेट के बारे में डिस्कशन है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 24 जून 2019 इसकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। और इसी दिन यानी कि लास्ट दिन 24 जून 2019 को रात के 12 बजे तक आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से फीस जमा कर सकते हैं। आगे जो बताया गया है वो बताया गया कि 24/6/2019 के बाद कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दे रखा है वो डिसेबल हो जाएगा, तो आपको अप्लाई करना होगा उससे पहले पहले ही। इसके बाद में ये बताया गया है किसी भी प्रकार का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपकी सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर कंडीशन एलिजिबिलिटी की जो बनती हैं
वो आपकी डिटरमाइन की जाएंगी 24 जून 2019 तक, यानी सारी आपकी क्वालिफिकेशन 24 जून 2019 से पहले होनी चाहिए, जैसा पिछले नोटिस के अंदर आपने देखा है। नोट नंबर एक के अंदर क्या कहा गया है? नोट नंबर एक के अंदर ये कहा गया है कि आपको किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी कमीशन को नहीं भेजनी है, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है और समय पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कमीशन किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यदि आप अप्लाई टाइम पे नहीं कर पाते या आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि नंबर ऑफ द पोस्ट हैं इनका राइट रखता है कमीशन, और ये वेबसाइट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी यदि किसी भी प्रकार का वेरिएशन आता है आपकी पोस्ट के माध्यम से, यानी पोस्ट में यदि ये घटती हैं या बढ़ती हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगी यहाँ पे hpsc.gov.in, hpsconline.in, और ये सारी गाइडलाइन आपको मिल जाएंगी। और यदि आप कमीशन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर है, और वर्किंग डे में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 24/5/2019। यदि आप इस नोटिस को PDF के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस साइट के ऊपर आप जाइए hpsc.gov.in, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ओपन नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना होगा, शायद 1-2 दिन के अंदर इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि मैं 29 मई 2019 की बात कर रहा हूँ और शाम के लगभग 5:30 बजे हैं, अभी तक तो इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना होगा। इसकी सारी डिटेल, क्या इसके बारे में क्वालिफिकेशन आती है, क्या इसके बारे में और कंडीशन पूछी गई हैं, और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म यह भरना होगा, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। इसके साथ में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, यदि आपको कंटेंट पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।